On Spotboy today, we have Ali Asgar and Vishal Kotin, who have reunited after two decades to entertain their audience as Akbar and Bilbar. Welcome to Spotboy, guys. Hello, Ji. Thank you so much for inviting us. How are you? We are mast. Filhal to mast. Aage pata nahi. We are still happy and reeling in the love and praise that we are getting for our show, and hopefully we'll all stay safe here. Yeah, I also hope the same. That was my first question. You know, it's been only two episodes which has been telecasted. So what kind of reactions have you received from your near ones? I mean, like your family, your friends? Well, family and friends will always be happy for whatever we do. But right. It's the audience that matters, and the audience, I especially in Alibhai also, we consider our audience as our family. So, whatever we do is not for our own family, but for the family of audience that we have. Agar unse pyar mile, if they love us, then it's worthwhile shooting with all the risk that we are doing in this quarantine, lockdown and COVID pandemic. If we can entertain them and bring a smile on their face, then I think it's worthwhile. विशाल ने बहुत सही कहा. सी क्या है, बहुत बड़ा एक डर है, डर का माहौल है. एट द सेम टाइम वायरस तो है ही, यू नो, एंड हम सब अपने अपने लेवल पे, प्रोडक्शन अपने लेवल पे, हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर वो प्रिकॉशन कितना हमारे लिए कितना काफी है वो किसी को नहीं पता. कि हम मास्क लगा रहे, ये लगा रहे, आ रहे, गर्म पानी में नहा रहे, वगैरह 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 वगैरह, वो कितना है वो पता नहीं. एंड ऑफ द डे यू नेवर नो कब कैसे क्या हो जाए. पर वही है कि जो मेहनत, जिस डर के माहौल में हम लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को यू नो इतना स्ट्रेस वाला एटमोसफियर है. हम सब खुद स्ट्रेस में थे पिछले 5 महीने से 4 महीने से, घर पर थे. एंड इट्स नॉट इजी, मतलब ये नहीं बोल सकते नो, मेरे को कुछ नहीं हुआ. तब कहीं ना कहीं से किसी को फिजिकल हुआ, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है. तो ऐसे माहौल में जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी जान तक गंवा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए, पुलिसकर्मी वो भी अपनी जान गंवा रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी वगैरह वगैरह सब दे रहे. हम एंटरटेनमेंट जोन में है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे लोगों को इस पेंडेमिक में. तो आई थिंक ये एक विथ ऑनेस्टी, लव एंड अफेक्शन हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारे दर्शकों के लिए. एंड आई जस्ट होप के उस आधे घंटे के लिए जो हमारी पूरी टीम हम मेहनत कर रहे हैं, अगर वो हाफ एन आवर के लिए अगर लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाए तो ये समझो कि पप्पू पास हो गया. I'm sure पप्पू तो पास हो ही जाएगा, because आप दोनों ही कॉमेडी के लिए इतने अच्छे जाने जाते हैं, and आप लोगों का कॉम्बिनेशन I'm sure ऑडियंस को अच्छा लग रहा है और भी ज्यादा अच्छा लगेगा. And you rightly said Ali कि you know you people are taking a lot of precautions, but tell me one thing कि what kind of difficulties do you face, you know, while taking all this precautions and then shooting with this costume drama? See, for me, I think ये मेरे लिए तो पहली बार ऐसा मैंने कॉस्ट्यूम ड्रामा, ये ऐसे सम पीरियड सीरियल मैं ऐसा कर रहा हूँ कि है ना हिस्ट्री है जहाँ ऐसे कपड़े वगैरह ये वो. इससे पहले जितने भी शोज किए वो नॉर्मल थे, फिर लेडीज वाला मामला था, वो दादी नानी और वगैरह वगैरह अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स जो किए. पर ये पीरियड ड्रामा एक फर्स्ट टाइम है जो मैं कर रहा हूँ. okay. तो इसमें क्या है कि सिर्फ कॉस्ट्यूम का प्रेशर नहीं रहता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेशर नहीं होता, डेफिनेटली कॉस्ट्यूम 2 लेयर 3 लेयर्स रहते, ऊपर से मूंछ लगाए है, मुस्टैच है, साइड लॉक से ऊपर से वो टर्बन है. कई बार तो बहुत गर्मी हो जाती है, मैं और विशाल हम लोग दोनों बहुत जल्दी हम दोनों को गर्मी होती है, यू नो हम दोनों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों को पसीने भी साथ में आते हैं, पसीना भी साथ में आता है.
okay. We are basically hot guys. You see. Hot guys. Okay. अरे विशाल तूने मेरे मुंह की बात छीन ली यार. तो हम दोनों को गर्मी बहुत होती है उधर, वो गर्मी भी वो है. पर अच्छा साथ में चूंकि हम ऐसा ये पीरियड ड्रामा है तो एक लैंग्वेज ऑल्सो उसमें इम्पोर्टेंट है. मेरे जो अकबर के जो लाइंस है वो उसमें काफी उर्दू के वर्ड्स है. विशाल जो लाइन बोलते हैं बिकॉज वो बिरबल है तो वो भी हिंदी के बहुत कठिन हिंदी वर्ड्स यूज करता है वो. एंड वो वेरी बहुत अच्छे से फ्लुएंटली वो यूज करता है वो. ही इज वेरी फ्लुएंट इन यू नो उसकी डायलॉग डिलीवरी उसमें बहुत वो है. तो ये सारा प्रेशर एक तरफ हो जाता है. और दूसरा प्रेशर एक ये कि एंड मेरा सबसे ज्यादा क्या होता है मतलब वो काम करते करते मेरा ध्यान रहता है किसका मास्क उतर रहा है. मेरा उधर वो थोड़ा सा वो एसी भी प्रद्युमन हो जाता हूँ मैं बिल्कुल. इसका मास्क नीचे क्या यो ब्रूटम वो थोड़ा सा. अब नॉट डेट के वो लोग उतारते हैं, कुछ लोग तो करते भी है. अब वो होता ना कि थोड़ी देर के लिए उतार के बैठ गई है वो. कुछों का हो जाता है वो लूज हो जाता है बिल्कुल मास्क. तो वो काम करते करते नीचे आ जाता है बिल्कुल यहाँ तक. तो मैं उसको वही बोलता बेटा ये मास्क टुड्डी के लिए नहीं है तेरे, ये इधर ऊपर ले आए यहाँ क्या लगा के रखा है. तो वो उस चीज के ऊपर ध्यान ज्यादा रहता है. लेकिन एंड ऑफ द डे विच आई थिंक विशाल विल ऑल्सो अग्री कि वंस एक्शन हो जाता है ना तो ये जो पेंडेमिक ये है या कोविड वाला है ये फियर को हमारे एन एक्टर ओवरटेक्स द फियर एंड वी गिव हर 100%. विशाल यू अग्री? आई ऑल्सो फील दैट मैं तो कभी कभी सोचता हूँ बिकॉज आई हैव डन बीरबल बिफोर इट्स इजियर फॉर मी क्योंकि आई नो कि इस तरह का कॉस्ट्यूम और क्या है. मैंने 3 साल किया तो इजियर हो जाता है. लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज हमारे पास एसी है, इलेक्ट्रिसिटी है, फैन है. मैं सोचता हूँ 16th सेंचुरी में अकबर और बीरबल ऐसे कपड़े क्यों पहनते थे. मतलब जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आता तो ये बात सोचने लगता हूँ कि उस टाइम पे ना एसी थी ना इलेक्ट्रिसिटी, लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते थे. क्योंकि अगर आप पिक्चर रेफरेंस पिक्चर्स भी देखोगे इसी तरह के कॉस्ट्यूम में है इन लोग तो क्यों पहनते थे. लेकिन वो कॉस्ट्यूम एक बार पहनेंगे ना, अली ऑल्सो भी लग रही है, कॉस्ट्यूम पहनने के बाद एक बात तो है, एक पॉस्चर आ जाता है बॉडी में. यू स्टार्ट फीलिंग लाइक अ किंग. मतलब अब मैं अगर सर खुजा के बात कर रहा हूँ आपसे, वो कॉस्ट्यूम पहनने के बाद मैं वैसे नहीं करूंगा. बिकॉज यू अंदर से यू गेट दैट पॉस्चर ऑफ अ किंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज अली भाई राइटली सेड, वंस एक्शन और कट के बीच में हम लोग वो कैरेक्टर होते हैं एंड देन द एक्टर टेक्स ओवर. सो ऑल द कॉस्ट्यूम्स, all the difficulties don't make a difference when you're in the character. Vishal, I was also supposed to ask, you know, you are playing Birbal for the second time. Usually, you know, actors get bored playing one character, but you agreed to it. What made you do that? See, Birbal has always been a special part of my life, and Birbal as a character has given me my identity on television, and I agree to it. Like, I've been around for a lot of years. My debut show was with Ali Bhai. Okay. Long back. And I've been lucky enough to be cast in all the roles. I've done drama, comedy, action, tragedy, historical, mythological. My last role was Ravan. My last role that I played was Ravan on Sony. Yeah. So, Birbal has always been closed. Or is lockdown mein jab logo ke paas kaam nahi hai or everybody wants to do something good. Right. Being offered something as good as this, playing, and let us all agree to this that television is very female oriented. उस female oriented television में आपको अकबर बीरबल जैसा role करने मिले जो male oriented हो और बीरबल जैसा role तो who would not want to do it here? So it's not. I never had this choice. I was always lucky to play Birbal, and I agree to it that playing Birbal has been the most amazing part of my journey as an actor. That's nice. Ali, he said that he made his debut with you 22 years back. Do you remember? Ya aapko yaad aa gaya jab aapko pata chala that you know Vishal will be playing Birbal with you? Are haan haan, main to I remember jab wo aata, I said Nikhil sir done, lock kar do, because meri casting ho gayi thi and us din wo kuch कपड़ों के साथ हमें वो एक होता ना लुक के फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक कर रहे थे ऑफिस में. उस दिन हमारे जो शो के प्रोड्यूसर है निखिल सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि वी आर इन टॉक्स विद विशाल
अरे वाह चलो और काम इजी हो गया, यू नो एक कंपेटिबिलिटी होती है आपके साथ। अभी कोई एक नया एक्टर आएगा उसके साथ कैसी ट्यूनिंग होगी और क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, यू डोंट नो। एंड खास तौर पे ऐसे पेंडेमिक में तो और भी यू नो जिसको आप जानते हो, अरे हम हाँ. साथ में काम कर चुके हैं, तो वो एक सपोर्ट हो जाता है बिल्कुल। क्या नहीं यार मैं इसको जानता हूँ, विशाल के लिए होगा ना, आई नो हिम। अच्छा दूसरा क्या है, काम इजी हो जाता है थोड़ा सा हमें, हमारे लिए एक एक होता है कि जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल, यू नो हम उसको भी केमिस्ट्री वर्क्स हो, काम हो जाता है, वो गिव एंड टेक इजी हो जाता है, उसको पता है मैं कहाँ रुकूंगा। तो आई थिंक हमें भी मुश्किल से एक ही दिन के अंदर जो जहाँ छूटे थे वहीं से हम वापस जुड़ गए, जो 20 साल पहले जहाँ छूटे थे वहीं जुड़ गए। तो इट्स वेरी इजी एट दिस मोमेंट, मतलब इस सिनेरियो में, नॉट दैट कि हम किसी और के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन आज अभी जो टाइम फ्रेम है बिल्कुल सी। बाकी मेरे लिए विशाल के अलावा जो शो में जितने भी लोग हैं उनके साथ में किसी के साथ कभी काम नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इट। आई डोंट नो अबाउट विशाल, विशाल Yeah, I worked with two other actors. The guy who's playing Salim, Shekhu, in fact, here was Salim in my previous show, and the guy who's playing Vasu right now, he's playing Rafiq in this show. So these two and Ali Bhai. Apart from that, everybody else is new for all of us. Yeah, but trust me, they all are doing fabulous work. They all are fabulous. सब अपने अपने रोल में ऐसा जम गए हैं कि अभी काम इजी हो गया बिल्कुल सबके लिए, यू नो हमको पता चल गया कि ये करेगा, ये करेगा, उनको पता है मैं ये करूंगा, मुझे पता है विशाल ये करेंगे। सो गुड फॉर द शो, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर है, बहुत पॉजिटिव है, यू नो हम एक दूसरे के लिए सब खड़े हैं, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, मतलब विशाल मुझे पंच देता है, मैं सामने वाले को पंच देता, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। जब ऐसा रहता ना तो इट्स वेरी हेल्दी फॉर द शो। ये नहीं है कि मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं नहीं है इधर, हम है। सो इट इज लाइक अ टीम वर्क। सो राइट, हां। सो सी एंड ऑफ द डे क्या है कि आई थिंक शो का चलना बहुत जरूरी है, मेरा चलना या विशाल का चलना या पर्टिकुलर कैरेक्टर का चलना नहीं, हम जब शो चलेगा तो सब नजर आएंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि शोले चल गया, शोले सुपर डुपर हिट हो गया, तभी तो सांबा नजर आया। नहीं तो पूरे फिल्म के अंदर सांबा का पूरे 50,000 मतलब जस्ट इमेजिन, मैकमोहन सर जब डबिंग के लिए गए होंगे तो वो माइक वाला जो है, जब तक वो दरवाजा बंद करके अपने रूम तक जाए उनका डबिंग खत्म हो गया था। पूरे 50,000 सर हो गया काम आपका, चाहिए सर। अगर उस वक्त मोबाइल होता और उसमें वॉइस मेमो होता तो वो शायद घर से ही भेज देते राइट। पूरे 50,000 ऐसे करके भेज देते, बोले सर जो चाहिए लगा लो। तो बट बिकॉज इट्स सी शोले हम सब के लिए एक आइकॉन वो है, कहते ना जैसे कि इट्स अ होली बुक फॉर अस। जो सिनेमा वाले है, हम कौन है जिसने शोले नहीं देखा है, राइट? हम सबको शोले बाय हार्ट याद है। तो बट चूंकि मेरे कहने का मतलब ये था कि चीफ फिल्म का चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिल्म को एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद हर कोई उसमें कोई नोटिस हो जाता है, राइट? एब्सोल्युटली। विशाल ये जो इन्होंने आपने बताया कि 22 इयर्स पहले आपने इनके साथ ही शुरुआत की थी, सो व्हाट वाज द शो एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? The show was Dil Vil Pyar Vyar, and I was not an actor at all. I had just won a modeling contest. I was a Manhunt winner, and just shuruaat ki thi maine. Main to audition pe bhi nahi gaya tha. But it was made by somebody who we all looked up to. It was Shakti Samanta ji who was making this show, and Ashim Samanta ji was directing. और मुझे अभी भी याद है, मैं पहले दिन जब अली भाई से मिला था, मतलब हम दोनों की कास्टिंग साथ में हुई थी, चार लड़के थे शो में, मैं, अली भाई, स्वप्निल जोशी और राकेश थरेजा। मैं पहली बार अली भाई, अच्छा अली भाई का मैं बचपन से फैन रहा हूँ। अली भाई एक शो करते थे, एक दो तीन चार, एंड ही यूज़ टू प्ले अ गैरेज अंकल सन इन दैट। मैं तभी बहुत ही छोटा था, और मैंने अली भाई को पहली बार बोला कि अली भाई मैं तो आपको बचपन से देखता हूँ। तो अली भाई ने मुझे ऐसे देखा और सोचा कि यार मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि तू मुझे बचपन से देखता है।
तो आई लुक्ड अप टू हिम एंड सेड नहीं नहीं क्योंकि आपने बचपन में काम शुरू किया था मैं क्या करूं. ही वाज आल्सो क्वाइट स्मॉल इन द शो और मैं जनरली आई वाज सो इट वाज अ फैन मोमेंट फॉर मी. ओके मैं अ मॉडल हु हैड नॉट एक्टेड एंड सडनली इज कम टू अ शो और सामने अली भाई दिख रहे हैं मुझे जिनको मैं स्कूल से मतलब बहुत ही छोटे में स्कूल से भाग के आके घर पे देखता था. तो इट वाज अ फैन मोमेंट. And after that, we started working. I told him, "Yar, main tabhi genuinely bhag ke aake dekhta tha. You were playing, and I was a big fan. Ye char ladke the, ek do teen char mein aur ek doggy tha. I can never forget. Seriously, and I still remember the song. Ek do teen char, charu mil do teen char. See, wow, yeah. Remember the title song of that show. So I was a big fan of that show. एंड जब पहली बार अली भाई को देखा तो आई वॉज वेरी इट वॉज अ फैन मोमेंट. और साथ में काम करके तो मैं अभी भी उनका फैन हूँ. एंड आई वी वर्क लाइक ब्रदर्स एंड आई लुक अप टू हिम व्हेन आई डू थिंग्स. तभी भी उनसे बहुत सीखा अभी भी उनसे बहुत सीखता हूँ. सो इट इज फन यार. आई रियली एंजॉय गोइंग ऑन द सेट्स ऑफ द शो यार. इट्स अमेजिंग. ओके दिस मेक मी आस्क शो में तो हम देखते हैं कि दैट यू नो अकबर कम्स टू यू टू फाइंड एनी सोल्यूशन और टेक एनी एडवाइस. ऑफसेट क्या होता है? कौन किसके पास जाता है एडवाइस लेने के लिए? नहीं ऑफसेट भी एडवाइस लेने के लिए तो मैं ही जाता हूँ अली भाई के पास बिकॉज़ ही इज माय सीनियर. और अली भाई बट अली भाई टेक्स लॉट ऑफ केयर ऑफ पीपल लेट मी टेल यू. मतलब ना मैं वी आर बोथ बॉम्बे गाइस. वो बड़ा आसान हो जाता है. आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी एल्स बट क्या होता है ना हम दोनों बॉम्बे के हैं तो बॉम्बे के होने के कारण ना एक कनेक्ट बहुत ईजी हो जाता है. हम दोनों की सोच मिलती जुलती है. लोग जो जानते हैं वो कॉमन है. और अली भाई टेक्स लॉट ऑफ केयर ऑफ अदर्स. मतलब मैं अपने काम से काम करता हूँ. मैं अली भाई विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द सेट इज वेयरिंग अ मास्क ईच एंड एवरी. मतलब ही इज लाइक दैट हेडमास्टर इन द स्कूल. बहुत टाइम मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अभी उसके सामने बोलना नहीं चाहिए. कल वो ऑफिस फिर मुझे देख के बोलेगा. बहुत टाइम मैं ऐसे होता हूँ कि रूम से बाहर निकलता हूँ अली भाई को देख के मास्क लगा लेता हूँ. You see, because somewhere, we are all a little scared of him in a good way. Yeah. We know that whatever he's saying is for our own good. Good. We yeah. are a little lenient, but he's very particular and takes care of everybody on the set, right from the spot boy to actor. Unke liye sab log ek jaise. So even if he sees a junior artist or a spot boy without a mask, he will make sure to walk up to that person and tell that person to wear a mask, sanitize, be safe and... So that's amazing about him. Okay, Ali, in the show, you know, you are dealing with two women. How difficult it is to handle both of them on screen and off screen as well? No, off screen, मेरे पास एक ही है. My wife, मेरा कुछ नहीं है ऐसा. Hello. ये मेरा नहीं off screen. क्या बोल रही है? सेम एक्ट्रेसेस शूटिंग एक्सपीरियंस आई एम आस्किंग अबाउट. नहीं नहीं सबसे पहले तो ना दे बोथ आर फैबुलस एक्टर्स. वो लोग अपने अपने कैरेक्टर्स में अच्छा एंड वो दोनों के स्टाइल एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग अलग है एक दूसरे से. यू नो एक का मैनरिज्म अलग है दूसरे का मैनरिज्म अलग है. एंड मजा आता है दोनों के साथ सीन करने के लिए. बीवी के सामने बहुत डरा डरा सा मेरे सारे सीन्स होते हैं. इतने रोमांटिक सीन्स नहीं होते जो महारानी है हमारी. एंड जो जिनको मैं शादी करके जिनके साथ मैं वापस आया हूँ वो उनके साथ मेरे रोमांटिक सीन्स होते हैं. सो एज एक्टर आई एम एंजॉयिंग इट ऑनेस्टली. You know, एक के साथ एक अलग बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड. एक के साथ एक अलग बॉडी लैंग्वेज एक एटीट्यूड. सडनली एक के साथ शाहरुख खान हो जाता हूँ बिल्कुल. रोमांस बिल्कुल. एंड वो मेरे और जो तारा है हम दोनों के जो सीन्स है उसको हमने बहुत ही ऐसे म्यूजिकल जैसा किया है. उसमें बॉडी लैंग्वेज ऐसे हिलते हिलते थोड़े थोड़े से लिरिक्स कुछ कहीं ना कहीं से यूज करके. So, बहुत अच्छा लगता है. वो बहुत मजा आता है. जो दरबार के सीन होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं. right. उसके अंदर मुझे बहुत ही पॉइज और एक वखार और एटीट्यूड के साथ बैठना पड़ता है वहां. मैं क्योंकि ऐसी क्या है वो राजा है ना. right. वो राजा है वहां मजाक मस्ती नहीं कर सकते. तो वहां एक अलग एटीट्यूड होता है. जबकि खासतौर पर जो मेरी तारा के साथ सीन होते हैं
वो बहुत ही रिलैक्स्ड और मस्ती वाले सीन्स होते हैं. सो आई एम एंजॉयिंग इट. जो काम नहीं किया कभी रियल लाइफ में, अब वो रियल लाइफ में कर रहा हूं. बेटी मुझे माफ कर दे. अच्छा बेटी, मैंने सोचा वाइफ नोटिस, वाइफ ने नोटिस कर लिया आपकी इमोशंस को. ये जो बेटी अभी जाके नमक मिर्ची लगाएगी ना अभी, लेडी जीवन की तरह, नारायण नारायण, कम हियर, आ गई. हाय, ओ माय गॉड, शी इज सो स्वीट. ये लगा, ये हेड, ये लगा के पढ़ रही थी, सडनली ऑफ स्क्रीन सुन के आ गई है. Wow, you guys are twinning also. You're wearing the same kind of t-shirt. Same color actually. Yeah, bas. Yeah. What's her name? I'm sorry. Ada. Hi, Ada. Nikki Ada. This side. Hi. Ada, did Hi, you Ada, see? Hi, Ada. How are you? Ada, did you see Dada's latest show, Akbar Ka Pal Birbal? I did, but only one episode since I had my classes clashing with it. My God. And did you like it? How much did you like it? I did. As in, I never seen Dad so strict ever. So, seeing him over there, being in a strict character is pretty... Yeah. It's like, I've been studying history mein Akbar and now finally seeing my dad performing Akbar. It's, yeah, kind of... बिलीव ही नहीं कर सकती कि मैं अकबर या मैं स्ट्रिक्ट या मैं इतना ऐसे बोलते ना एटीट्यूड वाला बंदा बन सकता हूँ. मेरे बच्चे मेरे को बहुत हल्के में लेते निकी. आप अली इतने स्वीट हो, आपको कोई भी ऐसी मतलब हल्का वर्ड तो नहीं यूज कर सकती मैं, बट नोबडी कैन एवर फील अफ्रेड ऑफ यू, ट्रस्ट मी. But apparently his son's name is also Akbar. Huh? I've met his son. He was very small when I met him. So his son's name is Akbar. And really? I remember a very strong boy back then. What was his reaction, Ali, when he got to know that you are going to play Akbar for the first time? No, he's apni alag zone mein hai. 10th abhi pass ho gaya hai. Wo apne ye pure lockdown ke andar with his friends and all, puri raat wo log PS4 online game khelte rehte hai. Now, you know, he's in that age zone jahan na wo bachcha hai na wo bada hai. Now he doesn't need us. Okay. You know, एक सब होते ना जैसे अभी कॉलेज में जाना है तो कैसे हमारे लिए एक अलग सा होता है. तो वो हमसे शेयर नहीं, मेरे से शेयर नहीं करता. मैं बहुत ऐसे दोस्ती लेवल पे उसके साथ बात करता हूँ. तो उसको मैं बोला कि आई एम प्लेइंग अकबर. अच्छा 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 ओके दैट्स इट. उसके लिए ये इतना ओके डू वेल ऑल द बेस्ट. बस ये मेरी फीडबैक ही है टोटल. ये सब हाँ ना यू वेर गुड यू वेर बैड ही इज गुड ही इज बैड ये है मेरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट मेरी बेटी है. अदा विजय हां अदा डिड यू लाइक इंसाफ? या आई डिड. एज इन योर फर्स्ट एपिसोड में यू वर वेरी यू नो काइंड ऑफ फनी एंड काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट द कॉइन वाला थिंग. या इन दैट वन she's actually a feedback giver na. हाँ हाँ नहीं एंड सबसे अच्छी बात क्या मालूम, ये लोग बहुत ऑनेस्टली बोल देते हैं. इट्स नॉट गुड डैड, इट्स नॉट फनी. ओके, व्हाट वाज द शो व्हिच यू डिडंट लाइक अदा? व्हाट वाज द शो ऑफ अली व्हिच यू डिडंट लाइक? कौन सा काम पसंद नहीं है? ये दे हार्डली वॉच माय वर्क. मतलब ऑनेस्ट अभी आई एम सेइंग ना कि दे ऑल आर वो नहीं है कि अरे मेरा शो आ रहा है कैसा. कल का एपिसोड था, मैं आई पैक्ड अप लिटिल अर्ली तो आई कॉल्ड अप एंड आई सेड अदर यू सॉ द एपिसोड? नो आई वाज एक्सरसाइजिंग. बहुत कूलली मैटर ऑफ फैक्ट. नहीं देखा भाई, नहीं देखा, सॉरी. बट दैट इज अ जेन्युइन रिस्पांस. दैट्स द जेन्युइन रिस्पांस. या दैट्स द जेन्युइन. दैट्स इंपॉर्टेंट. Okay, lastly, before we conclude this interview, I would really like to know, you know, you both have done so much of work on TV, films, you know, on all the mediums for that matter. But now people consider you as more for comedy. So you people like to be called as comedian, or you sometimes feel that, you know, no, we are actors and we can do this also.
honestly, no complaints. But definitely, as an actor, I would love to do different characters. So, see, क्या है? अलग-अलग काम करता रहूँगा तो अलग मेरा, you know, अपने आप को भी मैं reinvent. You have to reinvent yourself. Right. Very important in today's time. नहीं तो otherwise आप outdated हो जाओगे. हम अपने मोबाइल को भी अपग्रेड करते रहते हैं ना. मोबाइल हर एक चीज को आप अपग्रेड करते हो. मोबाइल को आप अपने एप्स को अपग्रेड करते हो. एप्पल फोन है तो आप ISO जो भी उसका जो आता है वो अपग्रेड करके आप वो करते हो तो उसमें अलग अलग फीचर्स मिलते हैं. तो हमको भी अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज हम विल बी डेड. आप एक ही चीज बार बार नहीं कर सकते. right. है ना. आप आज तक आप का इंटरव्यू लेने का तरीका अलग था. आज दौर अलग हो गया. अलग है. आप सोचा था हम जूम पे बैठ करके हम लेंगे. बिल्कुल नहीं. मैंने हमेशा आपको सेट पे इंटरव्यू किया है और कितने सारे शोज के लिए किया है. कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हमको अपने अपने घर पे बैठ के इंटरव्यू करना पड़ेगा. या तो वो जैसे जो एक होता है ना कि हर दौर के साथ आपको चलना पड़ेगा. जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है. कैमरा टेक्निकल चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट चेंज हुआ है. HD आ गया. ये आ गया. डिजिटल आ गया. ये आ गया. 4.0 वो हो गया. वैसे ही परफॉर्मेंस लेवल भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा. आप अलग अलग रूप में लोगों को देखोगे तो स्टेल नहीं होगा मामला. बिल्कुल. आप रोज तो दाल चावल नहीं खाओगे ना. आप दाल चावल भी आपको खाना है क्योंकि उसमें स्टार्च है, उसमें प्रोटीन्स है. आप सब्जी भी खाओगे, फ्रूट भी खाओगे, बिरयानी भी खाओगे. सब चीज जरूरी है. वैसे ही एक्टर को भी है कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ. हाँ, आप करो और वो चीज क्लिक ना हो तो बात समझ में आती है कि हाँ मत करो फिर. यू नो, जैसे आई हैव डन ड्रामा, आई हैव डन कहानी करगती, आई हैव डन समथिंग लाइक दैट, एंड आई हैव आई स्टार्टेड दैट वे. मेरा ये तो नहीं था कि मैं स्टैंड अप वाला था. ये तो गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि मुझे मौका मिला. एंड अब बोलते ना, इससे ज्यादा क्या दुआ मांगू कि मेल के साथ साथ फीमेल कैरेक्टर करने का भी मौका मिल गया. वो भी इतना सुपीरियर हो जाए. हाँ, तो नो कंप्लेंट्स एट ऑल. एक्टर की भूख खत्म नहीं होती है. एक्टर बहुत लालची होता है. मुझे ये भी करना. हाँ 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 हाँ, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा. विच विशाल विल आल्सो अग्री. Luckily in my case, no, I'll tell you that I have always been lucky not to be typecast. I have always done all different characters. Like Ali Bhai too. Ali Bhai has done a lot of serious characters. Kahani Ghar Ghar Ki was a very serious character. I remember Sunday mein, he was the main villain. Rohit sir's film, and he was the main villain. So, as an actor, and I'll also tell you this, that comedy is the most difficult thing to do. And if you can make somebody laugh, you get a lot of happiness within yourself. And making somebody laugh comes very easily to me and Ali Bhai. So we are very blessed and lucky to have this, have this instinct or have this energy inside us that makes people laugh. But luckily, I've never been typecast. I've done all different kinds of roles. I've done comedy. I've done drama. I've done historicals. I've played the biggest villain. In fact, the role before this was the biggest villain on Indian screen. That is Ravan. So, from Ravan to Birbal, I am happy that people have accepted me in every role. I've done action, I've done everything. But yes, comedy remains close to us because hum Mumbai ke ladke aur hamare andar wo thoda comedy ka keeda hai. Wo comedy is nothing to do with acting. Agar comedy karni aati hai, to aati hai, nahi aati hai, to nahi aati hai. The biggest of actors cannot do comedy. Like, if I ask you who's a better actor between Manoj Bajpayee and Akshay Kumar, you would probably say Manoj Bajpayee. But if I ask you who's better at comedy, it has to be Akshay Kumar. Right. Manoj Bajpayee sir wouldn't be able to do comedy the way Akshay Kumar does. So comedy करने के लिए अंदर से थोड़ा कीड़ा और थोड़ा हरामी होना बहुत जरूरी है. तो हम मुंबई के लोगों में naturally आ जाता है. So अगर हम comedy में अच्छे हैं और अगर हम लोगों को हंसा सकते हैं, हम सबसे difficult काम कर सकते हैं इतनी आसानी से, तो वही करेंगे यार. लोगों का हंसाने से बड़ा काम कोई नहीं है. स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दिस लॉकडाउन, अगर किसी के चेहरे पर हंसी ला सकते हैं तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है. एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू सो मच अली. थैंक यू सो मच विशाल फॉर ज्वाइनिंग अस. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू गाइज.